हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल से आपकी जो APS ARO CA की वैकेंसी आई हुई थी, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है और इसके बारे में विद्यार्थी लगातार पूछते रहते हैं कि आखिर इसका पेपर कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, क्या प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर में इसकी जो वैकेंसी है वो आई थी, फिर काफ़ी दिनों तक यही चलता रहा कि ये फेक वैकेंसी है, लेकिन फिर सरकारी रिजल्ट पर जब ये वैकेंसी आई, वहाँ पर अपडेट हुई, इसके बाद विद्यार्थियों को लगा कि हाँ ये वैकेंसी फेक नहीं है। और फिर विद्यार्थियों ने काफ़ी मात्रा में जो फॉर्म है वो फिल किए हैं, और तो लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इसकी आखिरकार डेट कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जो एक सूचना मिली है, काफ़ी बच्चों का जो कमेंट है वो आया है और टेलीग्राम पर भी बताया है कि जो ये भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। क्या ये बात सही है? और एक चीज़ और बताई है और एक फ़ोटो भी सेंड की है कि जो बच्चों के DD हैं वो वापस किए जा रहे हैं, यानी कि आपने जो पेमेंट किया था तो अब वो वापस किया जा रहा है क्योंकि ये जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। तो इसके बारे में क्या अपडेट थी? तो मैंने कई लोगों से जानकारी प्राप्त की है, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे तो पर्सनली किसी से ये जानकारी नहीं मिली है, प्राप्त नहीं हुई है कि जो DD है वो वापस किए गए हैं। और किसका किया गया है, किसी एक विद्यार्थी का ये जो फ़ोटो है वो आ रहा है कि उसका जो DD वापस आया है। तो देखिए आगे और अपडेट इसकी लेते हैं, और जैसे ही 4-5 लोगों से कंफर्म होता है कि हाँ ये चीज़ सही है और DD वापस हो रही है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी जो है आती है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपका जो पेमेंट है, आपकी जो फीस है, वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं की जाएगी किसी भी दशा में। तो फिर ये पैसे वापस क्यों किए जा रहे हैं? भर्ती रद्द होनी होती है तो हो जाती है, पैसे वगैरह वापस नहीं किए जाते हैं, बट यहाँ ऐसा क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो 3-4 दिन का आप वेट कर लीजिए और निश्चित तौर पर जो 100% सटीक जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। और किनका जो DD है वापस किया जा रहा है, या फिर DD में कोई गड़बड़ी थी इस वजह से वापस किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख के आपको जो 100% ऑथेंटिक अपडेट है वो दे दी जाएगी। तो अभी उसमें ना रहें, और वैसे भी इतने लंबे समय से इंतज़ार आप कर ही रहे हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और बैठे ही हुए हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 3-4 दिन और वेट कर लीजिए। जैसे ही ऑथेंटिक जो जानकारी है वो मिल जाएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? तो आप लोग परेशान ना हो कि भर्ती रद्द हो गई है और किसी का DD वापस कर दिया गया है और आपका नहीं आया है। अगर सही बात है, किसी का पैसा वापस हो रहा है तो आपका भी होना चाहिए, अगर वापस हो रहा है तो आपका क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही पता चलेंगी तो मैं 3-4 दिन के अंदर ही आपको जो ये जानकारी है वो दे दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों।